अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्फिनिटी बेस्ट जो नोकिया का टूल है आप उसको किस तरह इंस्टॉल करेंगे, कैसे आपने डाउनलोड करके यानी कि इंस्टॉल करना है तो, और किस तरह आप बाद में उससे मोबाइल का सिक्योरिटी कोड अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों ये आपने इस वीडियो में देखना है। तो बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्रैक जो है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ये दोस्तों मेरे पास पड़ा हुआ है नोकिया इन्फिनिटी बेस्ट 3.0, ये इसका क्रैक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमने एंटीवायरस को बंद कर लेना है। ये मेरे पास एंटीवायरस है विंडो वाला, तो इसको मैं यहाँ पे जाके पहले ऑफ़ कर लेता हूँ। तो आप दोस्तों कंफर्म जब हो जाए कि आपका एंटीवायरस बंद हो चुका है, आप अवास्ट यूज़ कर रहे हैं या विंडो का एंटीवायरस कर रहे हैं यूज़ या जो भी आप कर रहे हैं, तो वो जब बंद हो जाए उसके बाद आपने इस पर राइट क्लिक करनी है और इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। इसको कोई पासवर्ड नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। अब इस तरह का आपके सामने एक सीडी बनी हुई आ जाएगी, इसको हमने फिर से राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं इस तरह का हमारे पास एक सेटअप आ जाएगा। तो इसको हमने सबसे पहले ये सेटअप पे क्लिक करनी है। सेटअप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आएगी यस, और यहाँ पे नेक्स्ट आई एक्सेप्टेड द एग्रीमेंट, इसके ऊपर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट है। आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे दोस्तों पासवर्ड हमसे मांग रहा है, तो पासवर्ड क्या होगा हमने बैक करना है, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पासवर्ड, इसको हमने यहाँ से करना है कॉपी और नेक्स्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कीबोर्ड की मदद से कॉपी होगा, वैसे कॉपी नहीं होगा। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने नेक्स्ट, आगे फिर नेक्स्ट, इस तरह ये क्रिएट डेस्कटॉप आइकन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये फिर से नेक्स्ट इंस्टॉल हो गया। तो अब दोस्तों ये हमारे पास एक इसका आइकन आ गया है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी बेस्ट है, नोकिया का टूल है, इसको अब हमने ओके करना है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करके तो फिनिश कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्रैक है अगर, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। अगर तो ये हमारे पास ओपन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हमें क्रैक के ऊपर क्लिक करनी पड़ेगी। तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। तो ओपन होने के बाद दोस्तों ये इसमें कुछ फंक्शन है, लेकिन ये सारे हिडन हुए हैं क्योंकि ये क्रैक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो क्रैक में कुछ चीज़ें काम करती होती हैं, कुछ काम नहीं करती होती। तो इसमें यहाँ पे फ्लैशिंग, क्योंकि हमने मोबाइल को फ्लैश ज़्यादा करना होता है, उसका सिक्योरिटी कोड बटनों वाले फ़ोन का जो होता है वो अनलॉक करना होता है, तो उसके लिए हमें फुल फ्लैश करना पड़ता है। अगर तो हमारे पास इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल हो तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रीसेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों हमारे पास क्रैक है तो फिर हमें ये MCU, PPM1 और CNT1, ये जो फाइलें होती हैं ये सारी हमने ऐड करनी है। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने इसके ज़रिए फ्लैश करना होता है फ़ोन। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।